हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जब वी मेट यूएसए ट्रैवल गाइड ऑन फिंगर टिप। आज हम विजिट करने जा रहे वॉल्ट डिज्नी के तीसरे पार्क एनिमल किंगडम में। इस पार्क का थीम है नेचुरल एनवायरनमेंट एंड एनिमल कंजर्वेशन। डिज्नी एनिमल किंगडम को वॉल्ट डिज्नी के थीम पार्क के बाकी हिस्सों से अलग किया गया है, जिसमें सैकड़ों जीवित जानवरों की प्रजातियों का प्रदर्शन करते हुए पारंपरिक आकर्षण भी है। डिज्नी के एनिमल किंगडम को 6 एरियाज में बांटा गया है। द ओएसिस, डिस्कवरी आइलैंड, पेंडोरा द वर्ल्ड ऑफ अवतार, अफ्रीका, एशिया एंड डिनोलैंड यूएसए। इसलिए हर एक जगह के दौरान आप अंतहीन अनुभव करेंगे। आप यहाँ मौज मस्ती करते हुए खुद को कोई अलग ही दुनिया में पाओगे। जब आप पहली बार डिज्नी के एनिमल किंगडम में प्रवेश करते हो तो आप मुख्य गेट से गुजरते हो और ओएसिस में प्रवेश करते हो। इस क्षेत्र में हरे भरे वनस्पतियों और जानवरों के आवाज के साथ घुमावदार रास्ते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रकृति और पशु प्रेमियों के लिए एक अच्छा स्थान है। यह एक शानदार जगह है जहां आराम करने के लिए और वन्य जीवों की हरकतों को देखते हुए परिवार के साथ घूम सकते हो। यह प्रदर्शन दिलचस्प है। यहाँ जानवर क्या कर रहे यह समझाने के लिए स्टाफ सदस्य है। उनमें कुछ प्रदर्शनों की व्याख्या करने वाले संकेत भी हैं। डिज्नी एनिमल किंगडम दुनिया के सबसे बड़े पशु थीम पार्कों में से एक है। 300 से अधिक विशिष्ट प्रजातियों में 2000 से अधिक जानवरों के लिए घर पार्क संरक्षण के लिए वॉल्ट डिज्नी के समर्पण को दर्शाता है और पशु देखभाल, शिक्षा और रिसर्च के लिए प्रतिबद्ध है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं डिस्कवरी आइलैंड पर। डिस्कवरी आइलैंड पार्क के केंद्र में स्थित है। डिस्कवरी आइलैंड का मुख्य आकर्षण और पार्क का आइकन ट्री ऑफ लाइफ है, जो 155 फुट ऊंचा और 50 फुट चौड़ा कृत्रिम बाओबाब वृक्ष है। यह वास्तव में एक आश्चर्य है। द ट्री ऑफ लाइफ ट्रेल्स और जानवरों के पाड़ों से घिरा हुआ है। आप यहां पे अलग अलग जानवर पेड़ के ऊपर बने हुए देख सकते हो। द ट्री ऑफ लाइफ के अंदर इट्स टफ टू बी अ बग, यह एक अच्छा 3D शो है ना अद्भुत पेड़। अफ्रीका पार्क के मूल क्षेत्रों में से एक है। हरम्बे के काल्पनिक पूर्वी अफ्रीकी बंदरगाह गांव में स्थित इस क्षेत्र में कई जानवरों के प्रदर्शन हैं। अब चलते हैं अफ्रीका के मुख्य आकर्षण किली मांजारो सफारीज, जर्नी थ्रू अफ्रीकाज अमेजिंग वाइल्ड लाइफ। सवाना, नदी और चट्टानी पहाड़ियों में अफ्रीकी प्रजातियों को देखने के लिए आपको एक दोनों बाजू से खुले हुए सफारी वाहन में बिठाया जाता है। सफारी में आपको धब्बेदार हाइना, जंगली कुत्ते, गेंडे, जिराफ, चीता, हाथी, जेब्रा, कई प्रजाति के मृग, राजहंस, शुतुरमुर्ग और अन्य पक्षी दिखाई देते हैं।
आई होप आप सबको किलिमंजारो सफारी में मजा आया होगा। अब चलते हैं फेस्टिवल ऑफ लायन किंग देखने। अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में हरम्बे थिएटर है, जो डिज्नी की फिल्म द लायन किंग पर आधारित एक मंचीय आकर्षण का केंद्र है। डोंट गो एनीवेयर अभी भी बाकी है बहुत सारी अट्रैक्शन। आगे बढ़ते हुए चलते हैं पेंडोरा द वर्ल्ड ऑफ अवतार। अगर आप लोगों ने मेरी चैनल जब वी मेट यूएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जब वी मेट यूएसए को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेंडोरा द वर्ल्ड ऑफ अवतार जेम्स कैमरून की अवतार से प्रेरित एक थीम पर आधारित क्षेत्र है। यह क्षेत्र काल्पनिक एक्सोप्लैनेटरी चंद्रमा पेंडोरा पर आधारित है और इसमें पेंडोरा के तैरते पहाड़, एलियन वन्यजीव और बायोल्यूमिनेसेंट पौधे शामिल हैं। चलो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अवतार की दुनिया में। पेंडोरा द वर्ल्ड ऑफ अवतार एक शानदार थीम है, हालांकि यह इसकी लोकप्रियता के लिए जाना जाता है। 12 एकड़ में फैले पेंडोरा में दो प्रमुख आकर्षण हैं, अवतार फ्लाइट ऑफ पैसेज और नावी रिवर जर्नी। नावी रिवर जर्नी कैप्सवन नदी के माध्यम से एक डार्क बोट आकर्षण पेंडोरा के मूल जीव और वनस्पतियों को दिखाती है, जिसमें ऑडियो एनिमेट्रॉनिक्स और 3D होलोग्राम शामिल है। अवतार फ्लाइट ऑफ पैसेज एक 3D फ्लाइंग सिमुलेटर रोमांचक आकर्षण है, जहां आप पेंडोरा के परिदृश्य में एक पर्वत पर उड़ान भरते हैं। इस दोनों आकर्षण के लिए आप लोगों को लंबी कतार में इंतजार करना पड़ सकता है। नाउ एंजॉय द अट्रैक्शन। सुपर कूल अट्रैक्शन, आप लोग भी साथ में गाने लगेंगे। आउशे आउशे परिवा परिवा परिवा। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं अवतार की दुनिया में।
अब हम एशिया में एंटर हो चुके हैं। एशिया पहला विस्तार क्षेत्र डिज्नी एनिमल किंगडम में जोड़ा गया। यह क्षेत्र आनंदपुर के काल्पनिक राज्य में स्थापित है, जिसका अर्थ है प्लेस ऑफ ऑल डिलाइट्स। एशिया का केंद्र बिंदु एक्सपेडिशन एवरेस्ट है। लीजेंड ऑफ द फॉरबिडन माउंटेन एक स्टील रोलर कोस्टर है। एंजॉय द एक्सपेडिशन एवरेस्ट राइड। सबने एक्सपेडिशन एवरेस्ट को एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं काली रिवर रैपिड्स में। काली नदी राफ्टिंग का एहसास देती है। इस राइड के लिए हमने फास्ट पास का उपयोग किया था। इस राइड के लिए आपके पास पोंचो होना चाहिए, नहीं तो आप गीले हो सकते हैं। इस सवारी के अंत में आपके ऊपर पानी की जेट यात्रियों को छिड़कना पसंद है। यह एक वाटर राइड है। एंजॉय द काली रिवर रैपिड्स। आगे बढ़ते हुए चलते हैं डिनोलैंड यूएसए में। डिनोलैंड यूएसए डायनासोर और अन्य विलुप्त प्रागैतिहासिक जीवन के आसपास थीम है। इस क्षेत्र में एक स्टील वाइल्ड माउस स्पिनिंग रोलर कोस्टर है। पार्क की डिस्कवरी नदी के किनारे एशिया और डिनोलैंड यूएसए के बीच रिवर ऑफ लाइट है। एक रात का शो जिसमें दोनों स्क्रीन पानी के फव्वारे, तैरते हुए लालटेन, संगीत और प्रकाश व्यवस्था आप देख सकते हो। आई होप आज की ट्रिप डिज्नी एनिमल किंगडम में मजा आया होगा। नेक्स्ट ट्रिप करेंगे डिज्नी के फोर्थ पार्क मैजिक किंगडम में। सो डोंट गो एनीवेयर, वेट हियर फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू सी अ न्यू वीडियो। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सयोनारा।